नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूँ गरिमा और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी अजवाइन की बहुत ही टेस्टी पूरियों की रेसिपी। दोस्तों, इन्हें आप बनाकर काफ़ी टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं और इन्हें बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों, अजवाइन की पूरियाँ बनाने के लिए जो हमें इन्ग्रीडियंट्स चाहिए वो हमने यहाँ पे रखे हुए हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप आटा। गेहूं का आटा यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, आप चाहें तो इसकी जगह पर मैदे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 10 ग्राम यहाँ पे मैंने लिया है अजवाइन, 5 ग्राम लिया है नमक और 1/4 कप यहाँ पे लिया है मैंने घी। आप घी की जगह पर तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसका आटा सान लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हमने आटा लिया है उसकी मैं आपको क्वांटिटी भी बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम आटा लिया है और जो घी की क्वांटिटी है वो है 50 ग्राम, तो आपको लेने में इजी रहेगा। साथ में हम इसमें डाल देंगे नमक और अजवाइन। अब हम इसको सान लेंगे और इसको हल्के गुनगुने पानी से हमें सानना है और इसका सख्त डो लगाकर तैयार करना है। तो दोस्तों, सारी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे और उसके बाद आप अपनी मुट्ठी में आटे को चेक कर लीजिए कि जो हमने इसमें मोयन डाला है घी का वो बराबर है या नहीं। अगर आटा अच्छे से बाइंड हो रहा है तो इसका मतलब है कि हमने जो घी डाला है वो बिल्कुल बराबर है, नहीं तो आप थोड़ा सा घी और डाल सकते हैं। तो अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक सख्त डो तैयार करेंगे और इसे 10 मिनट के लिए दोस्तों हमें रेस्ट पर छोड़ देना है। तो दोस्तों, 10 मिनट के बाद जब हम डो को चेक करेंगे तो हमारा डो जो है वो अच्छे से सेट हो चुका है और इसे हम 2 मिनट तक अच्छे से मसल कर चिकना करेंगे। थोड़ा सा आप चाहें तो इस पर तेल डाल सकते हैं या फिर घी, जो भी आपको पसंद हो। तो थोड़ा सा घी या तेल डालकर आप इसको अच्छे से 2 से 5 मिनट तक अच्छे से मसल कर चिकना कर लीजिए। और दोस्तों, अब हम इसके छोटी छोटी लोइयां बनाकर तैयार करेंगे। आप चाहे तो दोस्तों इनको सीधे बेल सकते हैं और या फिर एक बड़ी सी रोटी के जैसे आप इसको बेल लीजिए और उसके बाद आप किसी भी कटोरी से या किसी भी बॉटल के ढक्कन से या जो भी कुकी कटर अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप उससे भी इसको कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बहुत ही ईजी तरीका आपको बता रही हूँ। इस तरह से एक मोटी सी लोई लेकर और इसे एक चपाती के जैसे बेल लेंगे हम बिल्कुल बराबर में। और दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक कटोरी लिया है जो सभी के घरों में इजीली अवेलेबल मिल जाती है और इस तरह से इन पूड़ियों को काट लेंगे। दोस्तों, आप जो चाहे वो डिज़ाइन यहाँ पर देख दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर बहुत ही सिंपल डिज़ाइन बनाया है, आपको जो डिज़ाइन चाहिए वो डिज़ाइन आप इसमें दे सकते हैं। तो इसी तरह से हम सारी पूरियाँ बनाकर तैयार करेंगे। दोस्तों, ये बहुत ही आसान तरीका है, झटपट आपकी पूरियाँ बनकर तैयार हो जाएंगी। और दोस्तों, अब हम क्या करेंगे कि ये जो पूरियाँ हमने बनाई हैं इनमें फोक की मदद से इस तरह से होल कर देंगे ताकि जब हम इन पूरियों को फ्राई करें तो ये फूले नहीं, क्योंकि अगर ये फूल जाएंगी तो ये बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेंगी। तो इस तरह से दोस्तों हम सारी पूरियाँ बनाकर तैयार करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों, यहाँ पे मैंने घी को गर्म होने के लिए रख दिया है। घी को हमें हल्का गर्म करना है और हल्के गर्म घी में हमें इन पूड़ियों को फ्राई करना है। जब इनका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए तब हम इन्हें निकाल लेंगे। दोस्तों, यहाँ पे मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो तेल में भी इन पूड़ियों को फ्राई कर सकते हो। तो इनको इस तरह से पलट पलट के फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखना है।
तो दोस्तों अब आप देख सकते हो ये बिल्कुल भी फूली नहीं है और इनका कलर जो है वो भी गोल्डन ब्राउन हो चुका है। दोस्तों इनको तलने में 3 से 4 मिनट का टाइम लगता है और अब हम इनको निकाल लेंगे झारे की मदद से बाहर। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों इनका कलर बहुत ही अच्छा आया है और दिखने में भी ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी दिख रही है। तो अब हम इनको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे एंड ठंडे होने के बाद दोस्तों मैं आपको इसको तोड़ के बताऊंगी। तो ये देखिए आप देख सकते हो बहुत ही खस्ता एंड बहुत ही क्रिस्पी पूड़ियाँ बनी हैं। तो दोस्तों आप भी अपने घर पर इन बहुत ही खस्ता एंड क्रिस्पी पूड़ियों को ज़रूर बनाइएगा। तो मैं मिलूंगी फिर से आपसे एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।